आपके लिए सुविधा के लिए बनाया गया है। कल को हो सकता है आप कभी अपनी एक एप्लीकेशन दें दंडादेश वापस लेने के लिए, इसी आधार पर कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कार्यालय में ये प्रार्थना पत्र लंबित है। तो ये चांसेस हैं कि आयोग आपसे कहे कि आप जरा 3 नंबर का रजिस्टर लेके आइएगा ताकि आपके तथ्यों की पुष्टि की जा सके। व्यवहारिक रूप से आपके लिए जरूरी है, ये तो आपके लिए जरूरी है, आपका बचाव है। आपको पता चलेगा आपके कार्यालय में कितनी जन सूचना है, प्रार्थना पत्र लंबित है, कितने में 30 दिन निकल रहा है, कितने में शुल्क मांगने की वजह से 30 दिन का वक्त रुका हुआ है। ये पूरा डिस्पोजल बताता है 3 नंबर रजिस्टर। इसके महत्व को समझते हुए कृपा करके आज से कल तक इसका श्री गणेश करा। थैंक यू सर, इसके बहुत बढ़िया। कल को RTI यही पड़ जाए कि 3 नंबर की कॉपी दे दीजिए। यस ऑफ कोर्स, ऐसा होता है, ऐसा होता है। प्राप्त आवेदन पत्र की पावती आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, पावती या एक्नॉलेजमेंट या रसीद ये अलग चीज है और आवेदन का निस्तारण अलग चीज है। अधिनियम कहता है, अधिनियम ने नियमावली, अब नियमावली में जब प्राविधान हो गया तो जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त हो उसकी रसीद या पावती तत्काल भेजनी है, इससे ये पता चले कि एप्लीकेशन हमें मिल चुकी है। निस्तारण अपने समय से होगा। पावती अनिवार्य रूप से दी जानी है। जरा पावती खोलिए, ये पावती का प्रारूप हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रारूप वही है जो प्रारूप 2 के नीचे ठीक ब्लैक लाइन के नीचे लिखा है, ये वही प्रारूप है। इसमें एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो लाइन नंबर 3 है इसमें कहा है कि सूचना की मांग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक 155 नंबर पर पंजीकृत है प्राप्त किया। यह 155 नंबर आपके कार्यालय की डायरी का नंबर नहीं है। सबसे पहले डाक आती डायरी होती ना, ये वो नंबर नहीं है। ये प्रारूप 3 के रजिस्टर का क्रमांक है कि प्रारूप 3 के रजिस्टर में किस क्रमांक पर अंकित हुआ, ये वो नंबर है। यदि आप प्रारूप 3 का रजिस्टर नहीं बनाएंगे तो आपकी पावती भी त्रुटिपूर्ण जाएगी। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब सवाल होता है कि आप पावती कैसे दें, क्या करें, स्केल कर लीजिए, इसके बारे में जरूरी चर्चा करेंगे। यदि आवेदक प्रारूप 2 एप्लीकेशन फॉर्म जो नियमावली में दिया है उस पर लाया, प्रारूप पर एप्लीकेशन लाया, तब तो बहुत सिंपल है, आपने पटरी लगाई, काट के दे दिया। यदि आवेदक सादे कागज पर बाई हैंड एप्लीकेशन लेकर आपके कार्यालय में आया तो कंप्यूटर का जमाना है, वो लैंग्वेज कंपोज करा के कंप्यूटर में लगा दीजिए और प्रिंट, उसके अंदर जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करिए और प्रिंट निकाल के दे दीजिए। आप कहते नहीं मेरे तो बहुत आती है, रोज 50-60 आती है, तो फिर रसीद मुझे आती छपवा लीजिए डुप्लीकेट में, एक कॉपी अपनी फाइल में लगाइए, कॉपी उसको दीजिए, कट कार्बन कॉपी। अगर डाक से आ जाता है तो सबसे सस्ता उपाय है कि आप पोस्ट कार्ड खरीदवा लीजिए। पोस्ट कार्ड के 2 साइड होते हैं, फ्रंट साइड बैक साइड। जो फ्रंट साइड है पोस्ट कार्ड का, उस साइज की एक रबर स्टैम्प बना लीजिए और रबर स्टैम्प में यही भाषा जो भी आपने देखी जो प्रारूप 2 के नीचे दी गई है ये भाषा लगवा लीजिए। जैसे ही डाक से आवेदन पत्र प्राप्त हो पोस्ट कार्ड लीजिए, फ्रंट साइड पे वो स्टैम्प लगाइए, ब्लैंक्स को फिल कीजिए, पोस्ट कार्ड की छाया प्रति कराइए, छाया प्रति अपनी पत्रावली में लगा दीजिए और पोस्ट कार्ड को पोस्ट कर दीजिए। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आप पावती पंजीकृत डाक से ही भेजें, परंतु यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि प्रत्येक आवेदन पत्र की पावती अनिवार्य रूप से आवेदक को जाए। नेक्स्ट, हमने प्रथम चरण पूरा कर लिया, प्रारंभिक परीक्षण हम कर चुके, अब हम आवेदन का विस्तृत परीक्षण करने वाले हैं। नेक्स्ट, इसको भी हमने कुछ भागों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे नियम 4(2) के तहत परीक्षण कैसे होगा, फिर अंतरण की कार्यवाही देखेंगे, थर्ड पार्टी प्रोसेस पर व्यक्ति या तृतीय पक्ष की क्या प्रक्रिया है वो देखेंगे, प्रकटन से छूट क्या है, इस पर क्रम आज थोड़ा सा बदल के चलेंगे, कुछ स्लाइड आगे चले जाएंगे तो पीछे आएंगे, और पृथक्करण का यदि समय होगा तो वो भी देखेंगे। नियम 4(2) पर आने से पहले कुछ बात करना आवश्यक है। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि क्या परेशानियां आ रही थी, एक प्रॉब्लम जो अधिकारी कहते थे कि साहब मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है,
कुछ परेशान करने की नीयत से आवेदन आ जाते हैं, आपका समय नष्ट करने के दृष्टिकोण से आ जाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रिवलस एंड वेक्सेशियस एप्लीकेशंस। अभी तक नियमावली आने से पहले जन सूचना अधिकारी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था जिसका प्रयोग करके वो फ्रिवलस और वेक्सेशियस एप्लीकेशंस, ये जो दुरुपयोग करने की नीयत से जो आवेदन आते हैं उनको फिल्टर कर सके, ऐसा कोई अधिकार जन सूचना अधिकारी के पास नहीं था। जन सूचना अधिकारी के सशक्तिकरण के उद्देश्य से कि वो इस प्रकार के आवेदनों को फिल्टर कर सके, नियम 4.2 का प्राविधान नियमावली में किया गया। परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि नियम 4.2 का प्रयोग यदा कदा और अपवाद परिस्थितियों में ही होना चाहिए। यदि वास्तव में एप्लीकेशन दुरुपयोग करने की नियत से दी गई है उसी हालत में होनी चाहिए। डेली बेसिस पर इस नियम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह निश्चित है कि यदि आप 4.2 के तहत मना करेंगे तो आवेदक अधिकांश मामलों में सूचना आयोग तक पहुंचेंगे, और यदि सूचना आयोग देखते हैं कि आपने नियम 4.2 का प्रयोग किया है तो फिर उसका उस प्रकरण का गहन परीक्षण अवश्य किया जाएगा और यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि क्या वास्तव में अपवाद परिस्थितियां थी, क्या और कोई विकल्प नहीं था कि नियम 4.2 का प्रयोग करना पड़ा। इसलिए जब भी नियम 4.2 का प्रयोग करें बहुत सोच समझ कर ही करें। अभी नियम 4.2 के तीन पार्ट हैं, 4.2 क, 4.2 ख और 4.2 ग। 4.2 ख के पांच पार्ट हैं, 4.2 ख 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से तीन भागों में हमारा नियम संख्या 4.2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक एक करके हम देखेंगे। इस नियम को बनाने में सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स का विशेष पतली किताब का ये पहला ही पेज है, तो पहले पेज पे हिंदी में दिया हुआ है। थैंक यू सर। विशेष रूप से एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट 2011 में जो आया था, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। इस नियम को बनाने में 4.2 इसके जितने पार्ट हैं बनाने में उस रूलिंग का, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पब्लिक डोमेन में, मैं कंप्लीट साइटेशन आगे दूंगा। अगर आप पूरा साइटेशन न भी लिखें, आप केवल सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय लिखें गूगल पर तो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा जजमेंट नहीं है, 55 या 60 पेजेस का जजमेंट है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ सकते हैं। नियम 4.2 का, नियम 4.2 का ये कहता है कि जो एप्लीकेशन आपके पास आई है, मांगी गई सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होनी चाहिए। जो मांगा गया है वो आपके अभिलेखों का भाग ही नहीं, आपको कुछ बैठ के बनाना नहीं, क्रिएट नहीं करना, आपके अभिलेखों का भाग होगा तभी तो देंगे आप जो कुछ कहेंगे अभिलेखों के अनुसार कहेंगे। आप नहीं बोलते, आपका अभिलेख बोलता है आपके माध्यम से, बोल अभिलेख ही रहा। रूलिंग क्या कहती है देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, रूलिंग दिखा दीजिए वो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कह रहे हैं। देखिए ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट बोल रहे हैं, ये वही जजमेंट है सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। नीचे कंप्लीट साइटेशन लिख दिया, पैराग्राफ नंबर मैंने लिख दिया, ये आपको खोजना पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। पैराग्राफ नंबर 35 जहां तक रेलिवेंट है उतना पढ़ूंगा समय को देखते हुए। एट दिस जंक्शन, देखिए ये कौन बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। एट दिस जंक्शन नेसेसरी टू क्लियर सम मिसकंसेप्शंस अबाउट द आरटीआई एक्ट, कहना मुझे बहुत जरूरी हो गया कि इस समय जो है जो आरटीआई के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हो गई हैं, कुछ मिथ्या धारणाएं हो गई हैं, कुछ भ्रम की स्थिति हो गई है, उनको दूर कर दिया जाए, मिसकंसेप्शंस को हटा दिया जाए। आगे कोर्ट एक्सप्लेन करते हैं जो मैंने बोल्ड कर दिया है, इसके आगे नहीं पढ़ूंगा, इतना ही पढ़ूंगा। The RTI Act provides
एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एंड एग्जिस्टिंग, मेन चीज ये है। यानी आरटीआई बात किसी करता है, ये कोर्ट हमें समझा रहे हैं, आरटीआई ये बात उसकी करता है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एग्जिस्टिंग है उसकी बात हो रही है। इसका ये मतलब हुआ कि जो द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अवेलेबल एंड विच इज नॉट एग्जिस्टिंग उसकी तो बात आरटीआई कर ही नहीं रहा। अब देखिए वीड आउट हो चुके हैं, तो जो आपके मीटिंग के नियम है उसका पालन करिए, और अगर वीड हो गया तो वीडिंग का प्रमाण दे दीजिए। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वीड आउट हो गया है तो जो आपका आप देखिए ऐसा है कि आखिर आप अपने रिकॉर्ड्स को कब तक संभाल के रखेंगे, क्या अनंत काल तक? नहीं, अधिनियम ऐसा नहीं कहता। जो आपका रिकॉर्ड डिटेंशन शेड्यूल है, मीटिंग का जो शेड्यूल है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो मीटिंग का शेड्यूल का पालन ही नहीं करते। कहाँ मीटिंग होती है ये बता दीजिए, कहीं होती है, कहीं होती होगी अखबार में, हमने तो देखी नहीं। अधिकांश जगह एक तो अगर आप जो बने हुए नियम है उनका पालन नहीं करते, अपने लिए कोई मुसीबत नहीं करते। तो जो प्राविधान है पालन करिए, और मीटिंग की प्रक्रिया का भी पालन करिए। मीटिंग का रजिस्टर है जो पूरा उसका प्रोसेस है पालन हो, और आप बता दीजिए कि ये रिकॉर्ड 5 साल तक रखा जाना था, इसका संरक्षण काल समाप्त हो चुका है, इसे वीड कर दिया गया है, और इसका साथ ये प्रमाण है मीटिंग का। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कभी अभिलेख आपके पास था और आप मीटिंग का प्रमाण देने में असमर्थ हैं, तो यह माना जाएगा कि रिकॉर्ड आज भी आपके पास है, दिल्ली हाई कोर्ट। इस दशा में एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। यानी आप ये कहना नहीं चाह रहे कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है और आपके पास यह प्रमाण नहीं है कि आप बीट कर चुके हैं, तो आप बेहतर ये होगा कि एक चीज से बच जाइए, 30 दिन के अंदर उसको बता दीजिए कि संबंधित लिपिक की आख्या के अनुसार ये पत्रावली ट्रेसिबल नहीं है, नहीं मिल रही है, ये सूचना तो दे ही दीजिए ताकि आयोग की दौड़ भाग से आप बच जाए। फिर आपका जो विभागीय मामला है, फाइल खोने से संबंधित जो भी प्रक्रिया चलेगी वो चलती रहेगी। इसके बैठिए, आगे बढ़िए। हमने 4-2 का देख लिया, आगे चलिए। 4-2 खा जिसके 5 पार्ट हैं, एक एक करके देखेंगे, रूलिंग्स भी कहीं कहीं देखेंगे, कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे, कुछ जो सचमुच विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान, तो कुछ अधिकारी हमें दिखा कुछ सौंप देते हैं, ये आया था तो उसमें जो उचित लगता है उसमें सम्मिलित कर लेते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। 4-2-1 मांगी गई सूचना में ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों, यहाँ आंकड़ों का मतलब कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, यहाँ आंकड़ों का तात्पर्य है सूचना, क्योंकि कोर्ट ने आंकड़ों लिखा था तो इसलिए यहाँ भी आ गया। आंकड़ों का मतलब है इंफॉर्मेशन, सूचना। मांगी गई सूचना में ऐसी सूचना का नया संग्रह किया जाना अंतर्वलित नहीं होना चाहिए जिनको उपलब्ध कराना किसी अधिनियम अथवा लोक प्राधिकरण के किसी नियम या विनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। एक कुछ चीजें तो मिनिमम होनी चाहिए ना, जिस अधिनियम के अंतर्गत आप काम करते हैं उसमें कहा कि ये मेंटेन किया जाएगा, वो तो होने चाहिए, और उसके आप जिस अधिनियम के अंतर्गत काम करते हैं उसके नियम में कहा गया ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए, आपके विनियम में कहा गया ये होना चाहिए तो होना चाहिए। जिस अधिनियम में आपका आरटीआई लागू है, क्या आरटीआई लागू है ना, क्या आरटीआई में जो नियम बनाए गए यूपी आरटीआई रूल्स 2015 उसमें कहा कि प्रारूप 3 का रजिस्टर होना चाहिए, कहा गया ना। तो जिस अधिनियम आप तो कई अधिनियमों में काम कर रहे हैं, ये अधिनियम आप पर लागू है, इसके अंतर्गत मेरी नियमावली लागू है, उस नियमावली में नियम में प्राविधान है कि प्रारूप 3 का रजिस्टर होना चाहिए। अभी सीडीओ साहब ने कहा यदि भारत का कोई नागरिक मानता है तो फिर आपको ये तो देना ही होगा। 4-2-5 ये तो मैंडेटरी है। अब वो आयोग जाएगा तो आयोग क्या उत्तर देंगे आप अपना अनुमान लगा लीजिए, इसको हमें कहना नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसलिए
हमने एक उदाहरण दिया, तो जो चीजें आपके अधिनियम में कही गई हैं ये होनी चाहिए तो होनी चाहिए, नियमों में विनियमों में तो वो होना चाहिए। लेकिन अगर इसके विपरीत कुछ मांग रहा है कोई, जो कि आपका अधिनियम नहीं कहता कि ये रखिए, ना आपका नियम कहता है, ना विनियम कहता है, ना आपको शासनादेश हुआ, ना आपके नियंत्रक अधिकारी ने कहा, तो फिर ऐसा नहीं कि जो नागरिक कहता जाएगा आप बनाते चले जाएंगे। एग्जाम्पल दिखाइए, एग्जाम्पल देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं रियल लाइफ। पहला उदाहरण हमने लखनऊ नगर निगम का लिया। आवेदक ने नगर निगम लखनऊ से निम्न सूचनाएं चाहिए। नंबर एक, लखनऊ नगर में आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है, प्रतिदिन सड़क हादसों में कितने कुत्तों की मृत्यु हो जाती है, अब सड़क हादसे होते रहते हैं, पिछले 10 वर्षों में कुत्तों की आबादी कितनी बढ़ी है। अब देखिए, जब ये सूचना मांगी गई थी ये 2015 के पहले की बात है, तब नियमावली नहीं आई थी, तो बड़ी समस्या थी क्या करें क्या ना करें, आज तो बहुत आसानी है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम जिस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं उसमें अभी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को मेंटेन किए जाने के बारे में नहीं कहा गया, ना नियमों में कहा गया ना विनियमों में कहा गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आरटीआई में आ गया है तो साहब ने गाड़ी लगवाई और लखनऊ शहर में कुत्ते गिनने चले गए क्योंकि आवेदक को उत्तर देना, ये नहीं करना। अब तो बहुत आप बता सकते हैं कि हमारे अधिनियम में, हमारे नियम में, हमारे विनियम में इस प्रकार की सूचना को अनुरक्षित करने का प्राविधान नहीं है, हमारे यहाँ मेंटेन नहीं की जाती, इसलिए नियम संख्या 4-2-1 के अंतर्गत ये उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं। वैसे जवाब कैसे लिखेंगे हम आगे लिख कर दिखाएंगे आपको। आगे देखिए, आवेदक ने परिवहन विभाग लखनऊ से सूचना मांगी कि विगत माह दिसंबर 2015 में प्रतिदिन सिटी बसों में कितने पुरुष, कितनी महिलाओं और कितने बच्चों द्वारा यात्रा की गई। अब मान लीजिए कि साहब आपको यहाँ से परिवहन निगम की बस से आपको फिरोजाबाद जाना और आपकी धर्मपत्नी आपके साथ है, तो क्या आप परिचालक या कंडक्टर को ये कहते हैं कि फिरोजाबाद जाना है एक मेल और एक फीमेल टिकट दीजिए? आप नहीं कहते, आप कहते हैं दो फिरोजाबाद, क्योंकि परिवहन विभाग लखनऊ में जो व्यवस्था है वहां इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए नहीं कहा गया। उनके अधिनियम में नियम में विनियम में व्यवस्था नहीं होती तो उनका ऐसा फॉर्मेट होता, लेकिन नहीं है ऐसा, इसलिए वो संभव नहीं है। समझने के लिए, इंडियन रेलवे में जो रिजर्वेशन का डेटा है, करंट बुकिंग के वहां भी नहीं, रिजर्वेशन वाला जो डेटा है वहां इस प्रकार की और इससे कुछ अधिक इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है और सर्टेन टाइम के लिए प्रिजर्व भी की जाती है। उसके बाद विनिष्टीकरण का जो भी उनका नियम होगा वो करते होंगे वीडिंग का, लेकिन सर्टेन टाइम तक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट उनके रखे जाते हैं। तो दे कैन, अगर उनसे मांगा जाता है तो नियमानुसार जो भी उचित होगा वो कर सकते हैं, लेकिन जहां मेंटेन की ही नहीं जा सकती या किए जाने का प्राविधान नहीं है, कल तक आपको दिक्कत थी, आज नियम संख्या 4-2-1 आपके पास, इसके करिए आगे बढ़े। नियम संख्या 4-2-2 आगे बढ़ी। अभी हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन है और हमसे कुछ कराना चाहते हैं आवेदक, उसके बारे में ये बात है। आंकड़ों को मैं सूचना पढ़ता हूं क्योंकि मैंने कहा आपका मतलब एक ही है। मांगी गई सूचना में विद्यमान सूचना का नए सिरे से निर्वचन, निर्वचन का मतलब इंटरप्रिटेशन या विश्लेषण मतलब एनालिसिस, या विद्यमान सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकालने या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अर्थ बताना, आशय बताना, व्याख्या करना, विश्लेषण कराना, अपना मत देना उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह सब आपसे अपेक्षित नहीं है। सूचना उसी रूप में दी जाएगी जिस रूप में उपलब्ध है, बिना मात्रा बाई कॉमा पुस्टॉप चेंज किए सामग्री को उठाएंगे दे देंगे, उस पर व्याख्या विश्लेषण नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे कुछ मित्र कहते हैं यार मैं तो इतना परेशान रहता हूँ, रात दिन सूचना बनाता रहता हूँ,
और बहुत परेशान रहता हूँ, घर पे भी जाता हूँ, वाइफ से भी यही बात करता हूँ, वो कह रही और कोई बात नहीं तुम्हारे पास, इतना दिमाग पे बनाता रहता हूँ, उन्होंने कहा कुछ करना नहीं है तुमको, अपने वाक्य बदल देना तब ठीक हो जाएगा, वाक्य को थोड़ा सा परिवर्तन करना, क्या परिवर्तन करना है, सूचना बनानी नहीं है, निकालनी है और देनी है, क्योंकि सामग्री ही सूचना है, बनानी क्या, निकालनी है सामग्री और देनी है, और यहाँ कह दिया आपको व्याख्या विश्लेषण तो करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, व्याख्या विश्लेषण निष्कर्ष परामर्श ये सब कुछ नहीं, ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, पहला उदाहरण हमने लिया है लोक निर्माण विभाग लखनऊ का, PWD लखनऊ, आवेदक ने लोक निर्माण विभाग से लखनऊ में बनाई गई सड़कों पर व्यय की गई धनराशि के संबंध में निम्न सूचना चाहिए, अलग अलग सड़क पर अनुसूचित जाति PWD के अधिकारी